Welcome back, dear students. This is Residential DAPS online classes and YouTube channel DAPS School Purnia. Subject I fear Sanskrit class 9 as usual. Tiwari sir is here. पिछले एपिसोड पिछले क्लास में जो संस्कृत के क्लास हुए पिछले वीडियो में जो हमने बताया वो संस्कृत के पहले चैप्टर भारतीय वसंत गीति जो कविता का चैप्टर था तो जो कविता का अध्याय रहा दूसरे अध्याय में दूसरे चैप्टर में स्वर्ण काका जो कहानी का जो कहानी जो गद्य भाग में थे और तीसरे चैप्टर जो है सोम प्रभम ये नाटक और इसके बारे में कल मैंने बताया कि प्रोफेसर राम बल्लभ त्रिपाठी द्वारा रचित प्रेक्षण सप्तकम नामक पाठ से नामक नाटक से लिया गया है तो कल इसके बाद गद्यांश की प्रैक्टिस देखें पद्यांश की प्रैक्टिस देखें आज हम लोग देखेंगे नाट्यांश की प्रैक्टिस नाट्यांश का मतलब होता है नाटक का अंश जो आपके पाठ्य पुस्तक में नाटक जो दिए गए जो ड्रामा जो आपके पाठ्य पुस्तक में है उस पर पाँच अंक का पाँच मार्क का नाट्यांश दिया जाता है नाट्यांश दिया जाता है तो आइए नाट्यांश में जो पैसेज आपको दिया गया है जो कंटेंट आपको दिया गया है जिस पर प्रश्न रहेंगे तो उस कंटेंट को पढ़ें बिमला अये जागरिता त्वरस्व तावत परिहीयते विद्यालय गमन बेला बिमला अये जागरिता त्वरस्व तावत परिहीयते विद्यालय गमन बेला बिमला अरे जाग गई त्वरस्व तावत तो जल्दी करो विद्यालय परिहीयते विद्यालय गमन बेला विद्यालय जाने के समय में देरी हो रही है सोम प्रभा अम्ब अद्य न गमिष्यामि विद्यालयम् अम्ब अद्य न गमिष्यामि विद्यालयम् सोमप्रभा कहती है माँ आज मैं विद्यालय नहीं जा रही हूँ मतलब आज मैं विद्यालय नहीं जाऊँगी सोमप्रभा कह रही है अम्ब माँ अद्य आज मैं विद्यालय नहीं जा रही हूँ बिमला हस्तेन सोमप्रभाम गृहीत्वा हाथ से सोमप्रभा को पकड़ के हस्तेन हाथ के द्वारा या हाथ से सोम प्रभा को गृहत्वा ग्रहण कर या पकड़ कर अये की मेतत कथियसी अरे ये क्या कह रही हो किम एतत किम जोड़ एतत किम मतलब क्या एतत मतलब ऐसा तो अरे ऐसा क्या कह रही हो क्यों कह रही हो विद्यालय तु विद्यालयस्तु गंतव्य एव प्रतिदिनम विद्यालय तो प्रतिदिन जाना चाहिए चलिए इसके बाद क्या है कि सोम प्रभा प्रस्थान कर गई श्वश्रु का मतलब होता है सास श्वश्रु उधर से आवाज लगाती है बिमला को कि बिमले अई दुष्टे बिमला हे दुष्ट कुत्र मृताशी कहाँ मर गई हो तुम कहाँ मरी पड़ी हो कियत कालात शब्दाप्यामी कितने समय से मैं तुम्हें आवाज़ दे रही हूँ तो ये एक अंश आपको पूरे चैप्टर का एक अंश आपको दिया गया अब इस पर फिर उसी तरीके से प्रश्न रहेंगे एक पदेन उत्तरत पूर्ण वाक्यन उत्तरत और भाषिक कार्यम तो अभी आपके सामने यहाँ देखिए यहाँ क्वेश्चन जो है मेरे द्वारा क्वेश्चन जो है दिया गया है
अब इसका हम लोग इसी नाट्यांश के माध्यम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसको इस क्वेश्चन का उत्तर लिखेंगे। तो एक पदेन उत्तरता में जो प्रश्न दिए गए, सोम प्रभा का अस्ति, सोम प्रभा कौन है, सोम प्रभा कौन है? आप इस नाट्यांश में पढ़ें, देखें, विमला अय जागृता तुरस्व तावत पढ़ी ही अत विद्यालय गमन वेला, सोम प्रभा कह रही है अम्ब, सोम प्रभा विद्या विमला को कह रही है अम्ब, मतलब ये सोम प्रभा विद्यालय, सोम प्रभा विमला की पुत्री है। अब यहाँ क्वेश्चन है कि सोम प्रभा का अस्ति, सोम प्रभा कौन है, तो उसका उत्तर बनेगा विमला की पुत्री। तो कैसे लिखेंगे, विमला की, का के की रारे री, जैसा कि आप लोग पिछले क्लास क्लास एट में भी ग्रामर में पढ़ाया गया था, का के की रारे री ये संबंध कारक का चिन्ह है, मतलब षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है, और विमला जो आकारांत है ये इसका शब्द रूप लता पर चलता है, लता की, लता का जो षष्ठी का रूप है वह है लतायाह, तो विमला का भी रूप बनेगा विमलायाह, यहाँ लिखेंगे विमलायाह। पुत्री, सोम प्रभा का अस्ति, सोम प्रभा का अस्ति, सोम प्रभा कौन है, जैसा कि प्रश्न के निर्देश में है कि एक पदेन उत्तरता, एक ही शब्द में, कल मैंने बताया था इस प्रश्न के बारे में, इस नाट्यांश गद्यांश पद्यांश, तो आज पद्यांश गद्यांश मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको, और आज मैं आपको बता रहा हूँ नाट्यांश, जो पाँच मार्क्स के ही रहते हैं। तो सोम प्रभा का अस्ति, सोम प्रभा कौन है, सोम प्रभा का अस्ति, सोम प्रभा कौन है, उत्तर एक ही शब्द में देना है, विमलायाः पुत्री, विमला की पुत्री। दूसरा प्रश्न है, का विद्यालय गंतुम न इच्छति, कौन विद्यालय नहीं जाना चाह रही है, का विद्यालय गंतुम ना इच्छति, कौन विद्यालय नहीं जाना चाह रही। तो अब यहाँ देखिए नाट्यांश में इस लाइन को ध्यान दें, सोम प्रभा कह रही है अम्ब अद्य न गमिष्यामि विद्यालयम्, अम्ब अद्य न गमिष्यामि विद्यालयम्, माता आज मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ, आज मैं विद्यालय नहीं जा रही हूँ। अब यहाँ प्रश्न आई, का विद्यालयम, का विद्यालय गंतुम न इच्छति, कौन विद्यालय नहीं जाना चाह रही है, कौन विद्यालय नहीं जाना चाह रही है। तो इस नाट्यांश के आधार पर इसका प्रश्न, इस प्रश्न का जो उत्तर बना वो बना सोम प्रभा, सोम प्रभा विद्यालय नहीं जाना चाह रही है, तो इसका आंसर लिखेंगे सोम प्रभा। प्रश्न का जो शब्द है वो जिस विभक्ति, जिस पुरुष और जिस वचन में हो, उत्तर भी उसी विभक्ति, पुरुष और वचन में होगा। जैसे का ये जो है ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है स्त्रीलिंग, तो इसके उत्तर में सोम प्रभा, प्रथमा विभक्ति का स्त्रीलिंग एक वचन। अब दूसरा प्रश्न है, पूर्ण वाक्यन उत्तरतः, पूर्ण वाक्यन उत्तरतः, पूरे वाक्य में उत्तर दें, फुल कंप्लीट आंसर, फुल कंप्लीट सेंटेंस आंसर। तो विमला सोम प्रभाम किम अकथ्यत, विमला सोम प्रभाम किम अकथ्यत, विमला ने सोम प्रभा से क्या कहा। अब नाट्यांश में आइए, आप यहां देखिए, विमला कह रही हैं हस्तेन सोम प्रभाम गृहत्वा, हाथ में सोम प्रभा को ग्रहण करके ले करके क्या कह रही है, अय किमचित कथयसी विद्यालयस्तु गंतव्य एव प्रतिदिनम, विद्यालय तो प्रतिदिन जाना चाहिए, ये तुम क्या कह रही हो। तो इसके आंसर में ये बनेगा,
कि विद्यालय सोमप्रभा के विद्यालय जाना चाहिए, ऐसा बिमला ने कहा। तो बिमला ने सोमप्रभा को कहा कि विद्यालय तो रोज जाना चाहिए। अब इसके आंसर को हम इस हिसाब से कैसे लिखेंगे कि बिमला ने सोमप्रभा से कहा कि विद्यालय तो रोज जाना चाहिए। चलिए इसका आंसर हम लोग लिखते हैं, बिमला सोमप्रभाम अकथ्यत यत विद्यालय तो प्रतिदिनं गंतव्यम। इस प्रश्न का ये आंसर हुआ, बिमला सोमप्रभाम किम अकथ्यत, बिमला ने सोमप्रभा से क्या कहा। तो बिमला सोमप्रभाम अकथ्यत यत विद्यालयस्तु प्रतिदिनं गंतव्यम्। विद्यालयस्तु प्रतिदिनं गंतव्यम्, विद्यालय रोज जाना चाहिए। ये आज जो आपके सामने है ये नाट्यांश है, और नाट्यांश तीसरे चैप्टर से सोमप्रभाम से लिया गया है, और इस नाट्यांश के ही संवाद किसने कहा और उस संवाद में क्या कहा, इसके भाव से जो प्रश्न का उत्तर बन रहा है वो लिखना पड़ता है। तो ये एक पद्यन उत्तर था, पूर्ण वाक्यन उत्तर था, और ये आपका नाट्यांश। अगेन अभी नाट्यांश में जो भी हम लोगों ने देखा, पढ़ा या समझा, एक पद्यन उत्तर था और पूर्ण वाक्यन उत्तर था। अब जो हम लोग देखेंगे तीन नंबर में पूछा जाता है भाषिक कार्यम, भाषिक कार्यम भी जो प्रश्न रहते हैं वो इसी नाट्यांश से संबंधित रहते हैं, और इसका जो उत्तर देना है वो इसी नाट्यांश से ही उत्तर देना है। तो सपोज कीजिए प्रश्न इस प्रकार का हो सकता है कि अये जागृता का अकथ्यत, अये जागृता इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज है, ये संवाद है किसी का, अये जागृता का अकथ्यत, अये जागृता ये किसने कहा, किम एतत् विच्छेदम कुरुत, किम एतत् शब्द का विच्छेद करना, ये भी इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज है, किम एतत् विच्छेदम कुरुता, किम एतत् का विच्छेद करना है संधि विच्छेद, और अयि दुष्टे काम प्रति प्रयोक्तम, अयि दुष्टे किसके लिए प्रयोग किया गया है, ये सपोज कीजिए तीन प्रश्न इस तरह से दिए जा सकते हैं कि अय जागृता का अकथ्यत, किम एतत् विच्छेदम कुरुता, और अयि दुष्टे काम प्रति संबोधित है काम प्रति प्रयुक्तम। आइए अब इसका हम लोग आंसर लेंगे इसी नाट्यांश से। तो चलिए देखो, जैसे अय जागृता का कथित, अय जागृता किसने कहा, अब यहाँ देखिए बिमला अय जागृता कौन कह रही है, बिमला कह रही है, बिमला अय जागृता, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बिमला, क्योंकि अय जागृता बिमला का संवाद है। यहां आंसर लिखेंगे बिमला, क्लियर है। दूसरा है किम एतत् विच्छेदम कुरुता, किम इच्छत का विच्छेद करें, अब आइए इसका विच्छेद करते हैं, किम एतत्
हिम जोड़ एतत, ये इसका उत्तर हो गया किम एतत, किम जोड़ एतत। और तीसरा प्रश्न है अई दुष्टे काम प्रति प्रयोक्तम। अब यहां देखिए स्वश्रु, स्वश्रु का मतलब होता है सास, तो स्वश्रु ने कहा बिमले अई दुष्टे, बिमले यानी कि बिमला, अई दुष्ट, बिमला को दुष्ट कहा गया, तो अई दुष्टे काम प्रति प्रयुक्तम, अई दुष्टे शब्द, अई दुष्टे का जो संबोधन है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ, ये प्रश्न पूछा गया किसके लिए प्रयुक्त हुआ। तो अब यहाँ देख रहे हैं इस नाट्यांश में सबसे लास्ट वाले, सबसे अंत वाले सेंटेंस में, वाक्य में कि स्वश्रु बिमले अई दुष्टे, बिमले को कहा गया। तो अब इसको जो लिखेंगे हम लोग को, यहाँ देखो यहाँ लिखा हुआ है काम प्रति, किसके लिए, किसके प्रति, तो काम जो हो गया वो स्त्रीलिंग में द्वितीय एकवचन, कम शब्द का स्त्रीलिंग में द्वितीय एकवचन। तो हम लोग भी बिमला को, बिमला का जो उसका आंसर है उसका जो, क्योंकि वो जो प्रश्न है काम प्रति प्रयुक्तम किसके लिए प्रयोग हो, तो ये शब्द अई दुष्टे, ये शब्द बिमला के लिए प्रयोग हुआ, तो बिमला उसका सही आंसर है। लेकिन बिमला को द्वितीय एकवचन में लिखना है, क्योंकि प्रश्न जो है द्वितीय एकवचन का शब्द बता रहा है कि किसके प्रति, तो हम लोगों का आंसर होगा बिमला के प्रति। तो जिसमें प्रति हो उसमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करेंगे, पता है आप लोगों को। तो यहाँ लिखेंगे बिमला का द्वितीय एकवचन क्या हो जाएगा, बिमलाम प्रति, जैसे सीता का द्वितीय सीताम, लता का द्वितीय लताम, काम का द्वितीय काम, तो यहाँ बिमला का हो जाएगा बिमलाम। बिमलाम प्रति, यह सही उत्तर हुआ। इस तरह से हमें नाट्यांश कल हमने देखा, कल हम लोग सीखे जाने समझे पद्यांश गद्यांश और नाट्यांश, और आज हम लोगों ने देखा समझा जाना, और आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे। और अगर कहीं समझने में दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में जा करके यूट्यूब चैनल खोल के जो आप इसको देखेंगे वीडियो समझेंगे, तो अगर कुछ भी नहीं समझ में आया या कुछ प्रॉब्लम हुई या कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स है, नीचे कमेंट बॉक्स पर आप अपना मैसेज छोड़ देंगे और उसका उत्तर आपको दिया जाएगा। तो आपने अभी एक पद्यन उत्तर था उसका प्रश्न उत्तर देखें, पूर्ण वाक्यन और वार्षिक कार्य, नाट्यांश का प्रैक्टिस ठीक इसी तरह से और भी आगे हम लोग करेंगे, है ना। फिलहाल एक एक उदाहरण के साथ हमने आपके सामने इसका उदाहरण रखा है कि कैसे प्रश्न पूछा जाता है, और इसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि ग्रामर में कौन कौन से, संस्कृत व्याकरण में कौन कौन से अध्याय पढ़ने हैं, और अपठित गद्यांश, इस तरह से जो भी उसका है सिलेबस वो धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे हम लोग।